बहुत मुश्किल पड़ी थी भैया, मैंने उसे कर रहा था इसको बड़ी। अंडा छिलके कैसे लगेगा? अगर अंडा अच्छा ना लगे ना पैसे वापस हो गए। ओहो कितना डस्ट है, इनको कौन समझा मैं पेंटर था। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई पायल आजकल इतना ज्यादा सोती है मतलब मैं क्या बताऊं, और साथ साथ इसको ठंड भी लगती है। क्यों भाई? अभी भी उबासी आ रही है। जा सो जा फिर। नहीं नहीं, अब तो मैं जाऊंगी, मैं तो बाहर जा रही हूं। यहां पे तेरे को उबासी आ रही है, वहां पे बच्ची सो रहा है। अच्छा, इसको मैं बुला के मैं सो गई थी और ये मेरे चक्कर में सो गया। एक काम करते हैं, बच्ची के साथ प्रैंक करते हैं। क्या प्रैंक? कुछ करते हैं तूफानी। क्या तूफानी करोगे? अभी बताता हूं। चलो तो यहां पे ट्रिमिंग है, बच्ची सो रहा है, उसे क्लीन शेव कर लूं। कभी किसी के बाल काटते हो, कभी क्लीन शेव करते हो। छोटा सा ही तो है बच्चा, क्लीन शेव देखा नहीं, कर देते हैं। हाँ, उसके जब से आए तब से उसकी ऐसे मुझे करता रहता, डैडी ऐसे करता रहता है ना। बच्चा सा है इतना, वो भी नहीं है कि उस पे अजीब लगे। देखो पहले, सबसे पूछो पहले। हाँ पूछ लो पहले। निकी काट दे। नहीं भैया। क्यों? बुरा लगेगा। काट दे। काट दो गोलू। अपना बच्ची की मूंछ काट दे। नहीं मैं क्लीन शेव कर दो। नहीं रहने दो, रहन दो। मेरे को तो लगे रहे बहुत अजीब लगेंगे भैया, ऐसे छोटे से। नहीं नहीं रहन दो। वहाँ पे बच्ची सो रहा है, उसको क्लीन शेव कर दो। हाँ देखिए, तू बता कर दो। कितने वोट हो गए? हाँ के तू बता पहले। नहीं अरे वैसे कच्ची दाढ़ी है, कच्ची दाढ़ी है। उस तरह थोड़ी मार रहा हूँ, मशीनी तो कर रहा हूँ। चीकू भी कह रहा है। पापा जो अभी शांति आंटी से पूछते हैं, वो हाँ करेंगे तो हाँ करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ शांति काट दे। हाँ हाँ भाई लड़की कर दे काम। देखो कितने लोग हैं ना, मतलब सबको ही खुशी चाहिए। तो यहाँ पे भाई हमारा बच्ची सो रहा है सामने, इससे आवाज नहीं आएगी। इतने लोग घूम रहे हैं, उनकी आवाज सो आने रही उसको। ठीक, रात को लेट सो रहे। ठीक, आराम से आराम से। क्यों रहे? भैया ये क्या किया यार, 6 महीने से मुझे ही बना रहा था यार। बहुत मुश्किल पड़ी थी भैया। चीकू यार गलत काम है यार। अब ये तो हो गया, तो हटानी पड़ी सारी। नहीं नहीं डिजाइन, 6 महीने से कर रहा था इसको बड़ी। सॉरी बोल। अब इधर की भी काट लो। इधर हटा देता हूँ, इधर बैठ, नीचे नीचे बैठ जा। भैया गंदा लगूंगा। अरे बैठ नीचे, इतना अच्छा बना दूंगा तेरे को। भैया अब मन नहीं कर रहा। देख रहे थे हटी है या नहीं हटी थी? सही लग रहा है, कितना सोना मुंडा लग रहा है। वेरी गुड। ये चीकू के कारण हुआ है। चल अब गुस्सा मत कर। हाथ कांप रहे इसके तो, कि मूंछ के गई इसके तो हाथ कांपने लग गए हैं। गुडू हाथ कांप रहे इसके। ऐसा बना दे अगले दिन रिश्ता जोड़ी करेगा। ये तो चिकना बना दिया भैया। नहीं शोर मत कर, लग जाएगी इसको एक बार करके, थका ही दू। पहले देखते है अंडा छिलके कैसे लगेगा। अंडा छिलके अगर बच्ची चीकू लगेगा दूसरा, बस थोड़ा कमजोर चीकू लगेगा। यार इसी तेल पानी तो लगा देते कुछ। उसमें थोड़ी मार है। ओए सॉरी, बाल बाल हो गई। मेरे को लग रहा है पायल आधा किलो वेट इसका था। मैं तो अभी देखती हूँ कैसा अंडा छिलेगा। अगर अंडा अच्छा ना लगे ना पैसे वापस हो गए। खतरनाक नहीं, मैं तो अच्छी दुल्हन बना दूंगा इसका प्यारी। मतलब कोई बात नहीं कर लेते हैं। देखो भैया थिएटर करता था, एक्टर आदमी है। अगली बार तू मेरा कर दो, ठीक है? बेहतरीन सा मेकअप, और बताना आपको मेकअप कैसा लगा। तो अब बस अभी तैयारी की जा रही है, उसको हम पहनाएं क्या, सूट पहनाएं, साड़ी पहनाएं, क्या पहनाएं गोलू उसको? मैं तो बताओ आप केशव के हिसाब से क्या चलेगा, सूट पहनाओ, लहंगा पहनाओ, साड़ी पहनाओ, कैसे ना सुंदर लगेगा उस पे। लहंगा तो नहीं चलेगा, सूट या साड़ी, साड़ी चलेगी। फन कर रहे हैं तो उल्टी सीधा कमेंट मत करना। देखो सब आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना, ये सिर्फ हम एक कंटेंट के लिए चीजें कर रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, तो बुरे कमेंट बिल्कुल मत करना। फन में कर रहे हैं चीजें सारी और सहमति से कर रहे हैं हमारे केशव की, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे मेन है ये ताकि हमारा जो मेकअप एकदम सही रहे, फेस खराब ना हो, तो ये भी इसको ये लगाएंगे। अच्छा हम अपना सारा सामान निकाल रहे हैं पर्सनल यूज का, जो हम पर्सनली यूज करते हैं। ये लो, ये आई कैंडी भी दे देती हूँ। इसी के साथ साथ ना हमारा मेकअप भी जो है सारे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि पूरा फैला हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है। छोटा छोटा इसमें ये पाउच पड़ा था, इसमें डाल के रखा है। हाँ जी भाभी जी, मैं सारा इसमें ना सारा वो सामान है जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे ये वाला ब्रशर हो गया। तो पहले काम करती हूँ मैं, तीनों ब्यूटी ब्लेंडर्स छोड़ाती हूँ। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ना बैंड बैंड लगा दिया लड़के को, और अभी हम इसका क्लींजिंग करेंगे। थोड़ी क्लींजिंग की जरूरत तो है नहीं इसको वैसे। ओहो कितना डस्ट है, ऐसा बना देंगे बबुआ सा, चिंता मत कर। ये होगी क्लींजिंग, ये पहले प्रोडक्ट देती है। छोड़ दो, अब इसको ऐसे मेकअप करूंगा, देखते रह जाओगे तुम भगवान की कसम। ले क्या, पहले सबसे पहले ऑयल लगा दो, लगा फेस पे डाल के घिस दो, अच्छे से मालिश करना फेस की। चुपचाप ना, जब तक सीटीएम अच्छा नहीं होता मेकअप अच्छा नहीं होता। अच्छा मैं बात सुन, मेकअप आर्टिस्ट करना पड़ता है। कर अपने आप, अपने हाथों से कर, इसको तो करना ही नहीं आ रहा। अच्छे से मैं करती हूँ, मेरे मेकअप के बीच मत पड़े। अच्छा मैं कोई एग्जांपल देना है, जब दीवार पे पेंट मारते हैं तो दीवार पहले पुट्टी लगाते हैं ना, पुट्टी लगाते हैं कि दीवार पे खुदरा पन्ना है। तो ऐसे चेहरा होता है, चेहरे को पहले मॉइस्चराइज करना होता है, ये सब करना होता है। मेरे कस्टमर को छोड़ो, सॉरी सॉरी, मेकअप मैं कर रहा हूँ, इनका कोई रोल है फिर ये क्यों आ रहे बीच में। चलो तो यहाँ पे भाई मैंने क्रीम भी लगा दी है, और क्रीम लगाने के बाद ऐसा मजेदार सा मेकअप होगा। मतलब आप खुद मुझे बोला करो कि अरमान भाई एक बार मेकअप कर दो, एक बार मेकअप कर दो, पर मैं अच्छा करता मेकअप, ऐसा नहीं है। पहले बता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। पार्ट टाइम जॉब थी मेरी पहले बचपन में। तो भाई यहाँ पर मैंने कंसीलर निकाल लिया है, ये तो गोरे ही बोले सो जूट क्या वैसे। आंख ऊपर कर भाई, आंख खोलो ना बेटा, पहली बार मेकअप करा रहे हो क्या? चमका देंगे ये, चुपचाप चमकवा ले जहाँ पे ब्लैकनेस है वो लगा। बस ब्लैकनेस तो है ही नहीं पीछे से, बस बस मत बोलो, ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही है। अच्छा थोड़ा महंगा है ना, कम यूज करते हैं। अब हम इसको डैब डैब करेंगे। अब मैं पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इतनी आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, मेरी हो जाए, मेरे में बहुत है। तो भाई मेकअप एक आर्ट है, और बात की जाए तो ये किसी पेंटिंग से कम नहीं है। हंसना सोनी कुड़ी बना रहा हूँ, चमका देंगे, टेंशन ना ले तू। सर आपके लिए कुछ पानी, रेडबुल मैं बना रही हूँ, चाय चाय डाइट बना रही हूँ मैं, सर के लिए, मैम के लिए, दोनों के लिए, खुद के लिए भी बनाती हूँ, तीन लोगों की डाइट ला रही हूँ मैं। तो भाई एक बार आगे देख लो पूरा बेस ना मैंने सेट कर दिया। देखिए भाई कहीं से कमी तो नहीं है? नहीं बस ये आउट की दोबारा आउट मत कर, रिंकल हो जाएंगे, सारी मेहनत खराब कर देगा। फटाफट हमें काम करते हैं, इसका बेस सेट कर देते हैं। मैं कर दूं जो ऐसे आपने सिखाया था, ऐसे कर दूं? मैं खुद करूंगा, पाल को लगता है मैं बेस सेट नहीं करना आता मुझे। बहुत अच्छा कर रहे हो, खालीपन ऊपर घुमा लो। अच्छा किया अगर मैंने, देख ली। बस 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 काफी। तो जो बचा हुआ है ना वो मैं यूज कर दूं, बचा हुआ है आपका? तो भाई डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद हमारा अभी टी टाइम हो गया, चाय पी लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है यार, मेकअप वालों को सैल्यूट है यार भाई, इतना मेकअप। और जो लोग शादी में 40-40, 30-30 मेकअप करते हैं, तो भाई उनको तो मिलके एक बार नमस्ते करना पड़ेगा मुझे। बहुत मेहनत का काम है, बनानी आती है लैक्स, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं। पकड़ इसको इधर आजा, भाई थोड़ा सा दिखा दे, पेंटर था मैं पायल, ठीक कर दूं कल दियो, कल काम कल छोटे से। अब ये समझ आएगी मुझे, वो सब कल की बांधरी हमने बताया। हां समझ गए, रिंकल्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हां बिल्कुल सही कर रहे हो। ये इसका बटन है ना, आपका बटन, बस उसी पे रखो, बस 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 बस। तो भाई अभी थोड़ा सा ग्लू लगा रहा हूं लड़के के। लक्ष्य मुझे मत सिखा, हमने ये ग्लिटर लगाया, पकड़ चुपचाप वो देख, मेरा ग्लिटर देख। हां ग्लिटर वो रस थे, उसका ब्रश भी दे अलग से, असिस्टेंट रखी हुई भाई, महंगी असिस्टेंट अपने पास। तो मैं चाहता हूं कि सुनो, खोल भी सकते हो? नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं पुराना फैशन नहीं करना चाहता। आपने ग्लिटर तो आगे लगाइए, आगे लगाओगे ना? क्या भाई गोलू, मेरा दिमाग ही खराब हो गया रखते गोलू थोड़ी देर। ठीक है जी। गोलू मुझे मत सिखा ये चीजें, थोड़ा सैड हो जाओ, मेरा कस्टमर है बेटा, इधर आ जाओ। चलो ठीक है, अब मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपकी मर्जी, आपका कस्टमर, सीधा लगाओ टेढ़ा लगाओ, ये कला होती है, बड़ी प्यार से लगाना। एक लिपस्टिक, एक लाइनर, एक लाइनर, दो ऐसी चीजें हैं ना, अगर ये खराब हो गई ना मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो ये बोलेंगे तेरी वजह से हुआ है। डिस्टर्ब भी करूंगी अभी कर रही हूं। ओ पकड़ के रखो अच्छे से, अच्छा लग रहा है। दोनों लगाए, देख ले ये भी लगाए, ये भी अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बस ऐसे में। ओके इनको कौन समझा, मैं पेंटर था, अब इसको जब प्यार करूंगा ना बबुआ सा बनाऊंगा, जब पता लगेगा इनको। स्माइल करो बेटा, थोड़ी स्माइल ना तो फिर एप्पल खुलेगा ना। ओए हाय तेरे दे यार, थोड़ा यार तू कंजूसी कर रही है, कंजूसी कर रही है तू, तो लाल कुशी यार, यार निकाल दियो, निकालो गोल कर दे, दे हल्का से, दे अभी हल्का से, हल्का दे बेटा, हल्का दे बेटा, हमारे टाइम में इतना होता था, मैं इतना करूंगा। इधर बेटा थोड़ा स्माइल, दूसरा बुझ दियो थोड़ा ज्यादा। ओ मैं क्या बोल रहा हूं, आगे वाला लो, ये नहीं साथ वाला भाई, यहां ये डबल वाला, डबल वाला। हां हां चलो स्माइल स्माइल, चको थोड़ा काम। हां कोई ना मैं, यार तू तो ऐसे सोच रहे, मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं तुम्हें को नहीं पता आ रहा ना, वो तो आता है आपको। वेरी वेरी
ऐसे जब का मत चुपचाप खड़ा रहे, पल की इतनी सुंदर बना दूंगा जितनी लक्ष्य की भी नहीं है। ऊपर इसको लेंस भी लेना है। ये ले भाई, ऐसी पल के बनाओ। लक्ष्य शोर मत करो भाई, मेरी चीजों को परेशान मत कर, पकड़ पकड़। बहुत बारीकी से काम हो रहा है। बारीकी मैं कह रहा हूँ, इतनी बारीकी है ये। लक्ष्य मुझे मत समझा, मैंने ये लैशेज लगाई है। हाँ खोल भाई। लो भयात से होगी तू मलकनी। रुक जा रुक जा, दो लाइनें बना देते मलकनी के लिए। यार ये मुझे सिखाएगी यार, ये घंटे से आए। कौन कर रहा, कौन कर रहा तेरे में कवाई कर। कुड़ी ने हंसाया चित्र खाने आ करा। हाँ ये अब से ले यार, इधर खोल के दिखा। पता नहीं फिर कुड़ी छेड़ अंदर केस पे आने। सही कर दिया ना। तो भाई तकरीबन देखो हमारा मेकअप हो ही गया है, और यहाँ पे तुम्हारी बेटी देख रही है। पापू पापू मुझे भी बड़े होगी ना मेकअप कर दिया करना, जब मैं अपने फेयरवेल पार्टी में जाया करूंगी तब कर देना, ठीक है? कर देंगे। ओहो तू भाई छोटी बहन लग रही है। अरे स्माइल देखो, बड़ी बहन। हाय हाय। तो भाई अभी लेंस डालने की तैयारी हो रही है। और पायल कहाँ भाई, पायल आराम कर रही है नीचे। देख भाई ऊपर आँख खोल गया ना, आँख में मत दिक्कत कर, आँख खोल। उधर देख, आँख खोल भाई। उधर देख पानी आ गया, आँख खोल। पानी भी आएगा, यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं आता। तो भाई हमारे जो बाबू है वो रेडी हो गया है, तो बस अभी मैं इसको वस्त्र पहना के ला रहा हूँ, उसके बाद और मैं पहनाऊंगा मेरा माल है। इन कपड़े ऊपर नहीं चलेगा। भाई अभी मिलते हैं ना, थोड़ा प्राइवेसी का माहौल चल रहा था। ऐसे नहीं करती, सारा बेस खराब कर दिया आपने लाइनर लगाने के चक्कर में। निकालो, ये क्या कर रहा है आपने, देखना अब मैं इसका क्या करूं पाउडर का। वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप यहाँ ही खड़े रहना चुपचाप। केशव का आज मैं करने वाली जबरदस्त मेकअप, और देखते हैं मेकअप के बाद केशव कैसा दिखता है। तो ये है हमारा फेशियल वेशियल बैंड, और रात को सोने के टाइम पे हम लगाते हैं, जो कि हम लाए थे तूबा के लिए, पर तूबा को थोड़ा बड़ा है तो मैं यूज कर रही थी। आज यूज करेगा इसे केशव, तो केशव के बाल खराब नहीं होने चाहिए। तो ये लग गया बेटा, व्हाइट बाल कैसे हो रहे इतने, इसके काले भी करने पड़ेंगे बाल साथ के साथ। जैसे बाल मेरे व्हाइट होते ना किसी, ऐसे इसके पर ज्यादा है इसके, तो भी छोटा सा है। तो सबसे पहले मैं रियो हब की क्लींजिंग क्रीम यूज कर रही हूँ। पहले फेस को क्लीन कर लेते हैं मेकअप करने से पहले, सीटीएम करना जरूरी है। आंख आईज क्लोज, इसका तो पहले ही इतना क्लीन है चेहरा, क्या ऐसी चमक रहा है पर। हाँ इसको तो लड़की होना चाहिए था। दाढ़ी पे चिपक गया। तो इसकी तो ना ज्वालाइन बनाने की जरूरत नहीं है, देखो कितना, जैसे हमारा ना डबल चिन आती है हल्की हल्की, ज्वालाइन चाहिए होती है गर्ल्स को, इसका ऑलरेडी सब कुछ शार्प है। कितना लिपस्टिक अच्छी, लिप्स की शेप भी अच्छी है, ऑयल की क्या कहते हैं इसे, लैशेज, लैशेज भी अच्छी है, बस ये अच्छी नहीं, ये बीच में अट रही है, ये हम काट देते हैं। फाउंडेशन लगा देना, थोड़ी सी ट्रिम तो करनी पड़ेगी आईब्रो। कैंची ले क्या करो, आईब्रो वाला है छोटी चाहिए भाई, थोड़े से लंबे थे ये, वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे भैया, काटने तो पड़ते हैं। यही थी फिलहाल बस। तो हमने क्लींजिंग करने के बाद फेस पे ऑयल मसाज कर दिए, ताकि जो है ना अच्छे से सीटी मुझे। तो ये मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइज, ऐसा फ्लोइज मेकअप आएगा ना, मतलब जबरदस्त शीशे जैसा मेकअप होगा। यूज किया है टाट का कंसीलर, वैसे तो डार्क सर्कल वगैरह कुछ नहीं है, पैचेस नहीं है, ब्लैक इक्वल स्किन है पूरी, फिर भी मैंने टाट का कर दिया है ताकि जो बेस है ना मेरा अच्छा बने। आँख बंद करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर हमें चाहिए होगा, क्योंकि दाढ़ी के जो छिद्र छिद्र है ना, वैसे तो ये क्लीन शेव होके आए हैं,
और वो देखे ना इतना प्यार कितने मिलता है। तो भाई यहाँ पे चीटिंग हो रही है सरासर, क्योंकि पायल मेकअप कर रही है, पर आपने इससे पहले देखा ना कि मैंने तैयार किया, तो मैंने नहीं तैयार किया, पायल ने तैयार किया। तो ये मैम के लिए भी है, सर के लिए भी, सर बढ़िया लगा, मैम के लिए भी लेके आई क्योंकि इनको बहुत ज्यादा। मैम यस वन बाइट प्लीज, दिस इज वेरी हेल्दी फॉर यू, 250 रुपए का एवोकाडो, ईट इट, पूरा नॉट एक टुकड़ा भी नहीं बचाना, सब पेट में। स्माइल नहीं करनी, रिंकल आ जाएंगे। मैम द मैनेजर, चलो पाउडर मेरे को लगाना नहीं आता, इसलिए मैंने पाउडर का हम गोल को दिया। बिल्कुल नेचुरल लगाऊंगी, बिल्कुल। कभी सोचा था इतने बड़े बड़े कलाकार दरबार में मेकअप करेंगे? हसमत बेस सेट कर रही हूं, हसमत रिंकल्स बिल्कुल नॉर्मल रखा इस। तो भाई हम अच्छी सी चीज ढूंढ रहे भैया के लिए कि अच्छा सा कुछ लुक दे, तो पायल यार साड़ी भी है, सूट भी है, कोई अपना सूट देखना, जब तू पतली थी ना पायल पहले, अभी पतली है, जब तू और जब ऐसे पहले पहले कपड़े पहनती थी, बीबा वाले डब्ल्यू वाले वाले सूट है। तो ये हमारा वो है खजाना, इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। तो भाई ये सूट मुझे लग रहा है इसे बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारा बहुत पुराना साइज है, क्योंकि हमें अभी बिल्कुल नहीं आता, बहुत पतले थे हम तब का है। तो इसके साथ की ना चुन्नी नहीं मिल रही है, चुन्नी मैं कोई और इसके साथ मैच पेयर अप कर देती हूँ। ये क्या कर दिया गुड्डू, दिखाना क्या कर, दिखाओ नहीं ठीक है, तू काली ज्यादा हो गई है, वो बहुत ज्यादा हो गई, दिखना भी तो चाहिए, मैंने किया है ऊपर भी, आईब्रो राख तो सेम हो जाएगी, एक जगह भी कर दिया। तो आज पता लग गया लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है, तैयार होती है भाभी, तैयार हुई तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, इसको तो फिर भी टाइम लग रहा है। हम तो मेकअप इतना करते ही नहीं है, ये तो सिर्फ सामान हमें पसंद है, मुझे पायल को इकट्ठा करना कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, रखना चाहिए। कुड़ियां तो बहुत औखा है भाई, इतनी सोनी भी लग रही है कुड़ियां, ठीक है। अब हम कोई ग्लू लगाएंगे, तो ग्लू के ऊपर हम कुछ भी चिपका सकते हैं ना, तो हम चिपकाएंगे ग्लिटर, अभी चिपक जाएगी देखो आराम से, और हमें इतनी नहीं लगानी, सिर्फ हल्का सा इफेक्ट देना ग्लिटरी। तो बहुत ग्लिटर लगाती थी, आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया ना, बहुत खतरनाक होता था। तो ये आउट ऑफ फैशन इसलिए कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल लाइट है, ये तो मेरा मतलब ये पहले ग्लिटर्स बहुत लगती थी, अब वो चीजें आउट ऑफ फैशन हो गई है। गलत कर रहे हो, दिखाओ, ऐसे नहीं करती, दिमाग ही खराब करके रखा है इसको, हमें आगे लगाना था। आर्टिस्ट मेकअप कर रहा है फिर भी परेशान कर रहे हैं मेरे को, सारा बेस खराब कर दिया आपने लाइनर लगाने के चक्कर में, वहाँ पे देखो निशान छाप दिया। अरे मैं तो उंगली से पकड़ा हुआ था पागल, नहीं ना यहाँ पे निशान छप गया ना, देखो अब मैंने ठीक करा है, नींद आ गई है, सो जगा तो दे, गोलू कर रहे थे हल्का सा, ये क्या कर रहा है आपने, देखना अब ये देखना, पूरा ब्लशर फिला दिया पूरा, इतना नुकसान कर लो ना, शाइन आपको पता है लड़कियों को मेकअप का नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये क्या कर रहा है अब, मैं इसका क्या करूँ पाउडर का, अगली बार काम आ जाएगा, पूरा ब्लशर खराब कर दिया, काम आ जाता है, दुल्हन बनाना तो सोनी जी कर लिपस्टिक, अरे नहीं लिपस्टिक नहीं, लैशेज मेन होते हैं हमारी, तो हम लैश लगाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा, वो तो हाँ मेरी नहीं है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, आपको ग्लू लगानी है उसके बाद लैश को चिपकाना है, वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप यहाँ ही खड़े रहना चुपचाप, वो ही मैं करूंगा पहले तो नहीं कर पाओगे, चलो देखता हूँ, ठीक है मेरे को ही नहीं आता करना। अगली बार ना तुम ना मेरे सामने ना 2 बारी कर देना पूरा मेकअप, और अगली बार मैं अकेला करके दिखाऊंगा। पर एक बात आपने दीदी के पास आईब्रो बनाई थी ना बड़ी अच्छी, आईब्रो तो मैं कभी बनवा ले मुझसे, ड्रॉ की थी पेंसिल से, हाँ दोबारा कर देंगे, आंखें बंद कर ले, लगी पलकी तो ये तो भाई साहब कितनी सुंदर लग रही है, मैं कह रही हूँ वापिस कर दो, बकवास मत कर, ये पलके लगा, अगर आपने गिर लगाना सीख लिया ना तो बहुत, बस मैं फिर आपसे लगाऊंगी कोई पार्टी वार्टी, ठीक है की चल रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब, ओए हिला मत मुंह चली जाएगी देख ले, ओए हंस मत, ऐसे गल पैसे ले लूंगा 2 लाख रुपए मेकअप के, लक्ष्य इतना महंगा करती है साल का। देखो भाई मैं ना लक्ष्य को सारे काम सिखा रहा हूँ आज, क्या बात है लक्ष्य, ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगा मुझे, सो इजी, 6 महीने क्लासेस में मैं एक बहुत ही खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट बन सकता हूँ, कपड़े लाओ इसके। तो होशियार आपके सामने मशहूर कलाकार मिनी ब्लॉग हाजिर होगा, अपनी आंखों को संभाल के रखना, कमेंट में बताना जो मैंने मेकअप किया आपको कैसा लगा, ठीक है। तो स्वागत हम चाहते हैं पैरों से हो, बिल्कुल एकदम कभी नजर ना लग जाए, तो कैमरा नीचे से उठना चाहिए। ओहो मेरा शगिर्दा वैसे एक बात है, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, सच में इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब हर किसी पे गेटअप सूट नहीं करता, इसके चेहरे पे ना सूट कर रहा है, तो बिल्ली कमाल पायल ना सो रही है, पायल से मिलवा के ला, और मेरा सूट इसको बिल्कुल ठीक आया, मतलब मैं इतनी पतली थी आज से 4 साल पहले, मैं इतनी पतली थी, उठाओ दीदी काम पे चलना, बाल तो चेंज कर दे, वैसे लड़की लग रहा है ना, सुंदर हुए पायल जी, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बाल भी सेट कर रहे हैं, कमाल का मेकअप कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है मेकअप है ना, और क्या ग्लो आ रहा है चेहरे पे, मजा आ गया।
होते नहीं 15-15-16 बच्चे होते हैं, दिल नहीं कर रहा उतारने का तेरा, नहीं मेरा कर रहा मेरा तो कर रहा है भाई। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नमस्कार बाय बाय, ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत।